अनंत पंथ में अनंत संपदा में वो जन्म लिया भैया। जैसे पूजा अन्य लोग कर रहे हैं वैसे पूजा हम कर रहे हैं। हमारी पूजा में उनकी पूजा में क्या अंतर है? अंतर 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 बताओ जल्दी, कोई अंतर है कि नहीं? हाँ जोर से बोलो। क्रियाकांड अपन क्रियाकांड आडंबर कर रहे हैं ऐसा कह रहे हो क्या? अच्छा अपनी पूजा क्रियाकांड नहीं है ऐसा कह रहे हो? अच्छा अपनी अपनी पूजा क्रियाकांड आडंबर से रहे ठीक 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 अपने को अंतर अंतर जानना भैया। अंतर कि अंतर क्या है? अंतर बता बस। अब अपने को यही यहाँ पे रुक जाना भैया कि यहाँ तारण स्वामी चार अनियों को आत्मा का गुण कह रहे हैं, ज्ञान का गुण कह रहे हैं। ये चारों अनियोग तुम्हारे ज्ञान के गुण है। यदि तुम शुद्ध ज्ञान की पूजा कर रहे हो, आवृत सम्यक दृष्टि हो, तो तुम्हारे ज्ञान में ऐसी पूजा दिखाई देनी चाहिए। और यदि वो पूजा हो रही है तो देखो भैया बाहर में जो द्रव श्रुत है जिसको अपन नमस्कार करते हैं इसे उपचार से श्रुत कहते हैं, लेकिन भाई निश्चय से तो कौन सा श्रुत है? भाव श्रुत को ही जिनवाणी कहते हैं। निश्चय से यथार्थ में यथार्थ में स्वयं सुबुद्धि है जिनवाणी निश्चय के निराधार से। यदि निश्चय से निर्णय किया जाए, निश्चय से यदि जनवाणी को परखा जाए, निश्चय से यदि जनवाणी की वंदना की जाए, तो निश्चय से जो अपनी सम्यक बुद्धि है, निश्चय से जो अपना तत्काल निर्णय है, निश्चय से जो आपको भेद ज्ञान है भैया, निश्चय से उसका नाम जनवाणी है। जिसका आप अनुभव करते हो उसका नाम जनवाणी है, और जिसको आप नमस्कार करते हो वो उपचार से जनवाणी कही जाती है। लेकिन वो उपचार जनवाणी भाव अनुभव में कारण है इसलिए उसे जिनवाणी कहा जाता है। लेकिन भगवान आत्मा ये जिनवाणी तो आपको ये पंचम काल में दिख रही है, भगवान महावीर के समय तो सिर्फ उपदेश था, ये शास्त्र रचना नहीं थी। ये तो आचार्यों ने अपने पे करुणा करके इन शास्त्रों में इस ज्ञान के सागर को मत दिया, इसलिए जिनवाणी की ये परंपरा शाश्वत परंपरा अपनी पूजा पद्धति में आ गई। लेकिन वास्तव में सच्ची पूजा सच्ची वंदना बताओ क्या है? शुद्ध ज्ञान में जो अपना स्वभाव है ऐसे आत्मा की सुरत अपने अंदर में आ जाए तो शुद्ध में जिनवाणी की पूजा प्रारंभ हो जाएगी भैया। और यदि रोज 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 आके आप जिनवाणी को सर रख के नमस्कार करते हो भैया तो जिनवाणी को पूजा प्रारंभ नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि जिनवाणी को नमस्कार करते करते अपने जिन स्वभाव की सुरत ही नहीं आ रही। जिनेंद्र परमात्मा ने जो स्वभाव कहा है वो जिन स्वभाव वो वीतराग स्वभाव वो मेरा स्वभाव है ऐसी सुरत नहीं आ रही। जिनवाणी के आईने में अपना चेतन प्रभु नहीं दिख रहा। देखो भैया आपको ये बात ऐसी लगेगी आत्मा की बात है भैया तो आत्मा परमात्मा की बात है, ये बात तो हमें समझ में नहीं आती, ये तो सत्तात्मा की बात है भैया, ये बात हमें समझ में नहीं आती। एक बात का बताओ, यदि आत्मा की बात शुद्धात्मा की बात जिनवाणी की बात समझ में नहीं आती तो फिर आए काय के लिए है और आते काय के लिए? अच्छा मंदिर विधि काय के लिए करते हैं? मंदिर विधि में धर्म उपदेश के अलावा कुछ है क्या? भगवान की वाणी के अलावा कुछ है क्या? चार अनियोग के अलावा कुछ है क्या? जिनवाणी की स्तुति काय के लिए करते हैं भैया? रोज दर्शन करने का व्यवहार क्यों? यदि आत्मा की बात समझ में नहीं आती, यदि इस जिनेंद्र भगवान की वाणी के दर्पण में यदि अपना जिन स्वभाव अपना जितेंद्री पद नहीं दिखाई देता तो फिर ये सब क्यों? एक आडंबर ही हुआ ना भैया, बिल्कुल 100% आडंबर ही हुआ ना। यदि वास्तव में सर्वज्ञ की वाणी को सुन के यदि अपने को ये विश्वास नहीं होता कि जैसा सर्वज्ञ स्वभाव जैसे जिनेंद्र परमात्मा सर्वलोक के ज्ञाता दृष्टा है, सर्व पदार्थों को
जानने और देखने वाले हैं। वैसा सर्वक स्वभाव, वैसा सर्वक स्वभावी भगवान आत्मा मेरे निज घट में विराजमान है। देहे देवाली देवम चा, इस देह में जो रहता है वो ही देव है। यदि वेरी के नमस्कार करते करते अपने देव का स्मरण आ जाए, अंतर में अपने देव का वेदन आ जाए, तो शुद्ध ज्ञान की पूजा प्रारंभ हो जाए। तो भैया वेदी पे नमस्कार, वेदी पे रखे वेदों को नमस्कार करते रहो, और उन वेदों में है कौन? अच्छा बताओ, ये जो बड़े बड़े शास्त्र रखे हैं, षट खंडाव रखे हैं भैया, मध्यात्म वाणी 14 ग्रंथ रखे हैं, ये इतने बड़े बड़े शास्त्र रखे हैं, इन शास्त्रों में क्या लिखा, क्या लिखा है? इनके दर्शन करने के लिए क्यों आ रहे हो? कारण 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 बताओ जल्दी। कि इस परमात्मा की वाणी में, इन ग्रंथों में अपना जो ज्ञान घन स्वभाव भैया, जो अपना ज्ञाय परमात्मा है, इन ग्रंथों में वो ही गुथा हुआ भैया। यदि आप इन्हें नमस्कार कर रहे हो और आप निर्ग्रंथ होने की भावना नहीं ला पा रहे, अपनी घर गृहस्थी की संयोग को नहीं छोड़ पा रहे, संसार में पाप और अनाचार को नहीं छोड़ पा रहे भैया, यदि इन ग्रंथों को नमस्कार करके ग्रंथियों से छूटने का भाव नहीं आ रहा, भगवान जी रोज रोज चैतन्य टाइम खराब करने से क्या फायदा? समय खराब करना, एक घंटे दुकान हो जाता खोल लो, अभी 10 बजे खोलते हो 9 बजे से खोल लो, तो एक घंटे में व्यापार और बढ़ जाएगा। जब यही निश्चित नहीं हो रहा कि पुण्य की वजह से आता है पाप की वजह से जाता है, जब वस्तु का निर्णय नहीं कर पा रहा है, पुण्य पाप का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हमारे परिणाम से, शुभ अशुभ परिणाम से पुण्य और पाप का आश्रय होता है, और पुण्य और पाप के वजह से व्यापार अच्छा चलता है या बुरा चलता है, जब तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो एक घंटे पहले जाकर दुकान खोल लो, एक घंटे और चैत्यालय में आके अपना समय खराब करने से क्या फायदा? एक घंटे और ज्यादा घर में चौके में अच्छा काम कर लो और सारी व्यवस्थाएं अच्छी मिला लो, एक घंटा और खराब करने से क्या फायदा? खराब ही हो रहा है ना बे, मतलब सुबह मंदिर विधि करी, अब हमें बिठा दिया एक घंटे बोलने के लिए, उसके बाद फिर आरती चंदन प्रसाद और फिर घर भी, तो एक घंटा वेस्ट करने का क्या फायदा? आप तो करिए बताओ, एक घंटा और व्यर्थ कमाने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। इसलिए घर में रहो बड़ी आराम से, पूरे काम घर के समय पर निपटाओ, इसमें इस यही मनुष्य भाव की सार्थकता है। और मनुष्य भाव इसलिए तो मिला है, मनुष्य भाव के लिए मिला है, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, पुत्र परिवार का पालन पोषण करने के लिए, कुटुंब कबीला बढ़ाने के लिए, मनुष्य भाव संसार बढ़ाने के लिए मिला है, संसार का अभाव करने के लिए नहीं मिला। सही है ना? अरे सही तो कह रहा है बिल्कुल। अच्छा इसलिए नहीं मिला, यदि आप कह रहे हो इसलिए नहीं मिला, तो फिर कर क्या रहे हो, स्वीकार क्या कर रहे हो, उपयोग कहाँ लग रहा है, रुचि कहाँ लग रही है, दिन रात हमारा मन कहाँ लगा हुआ भैया? यदि वास्तव में मनुष्य आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, तो बता दो आत्मा के दर्शन किस किस को हो गए? चलिए बताओ, यदि मनुष्य आत्म कल्याण करने के लिए मिला है तो आत्मा की स्वरूप किस किस को रहती है दिन रात? चलिए बताओ, यदि मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के मिला है, तो संसार शरीर भोग नश्वर है, और मेरे लिए सर्व सुख का साधन मेरा गायक परमात्मा मेरे अंतर है, ऐसा भेद ज्ञान किस किस को रहता है? शरीर अलग, चेतना अलग, ये भिन्नता किस किस को भासती है? यह सुन लो, यदि वास्तव में आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, तो यदि वास्तव में अपना निषेध करने के लिए मिला ऐसा कह रहे हो, फिर शुद्ध ज्ञान की पूजा करके बताओ भाई, जनवाणी की पूजा करके बताओ, ये जनवाणी जो कह रही है उस भाव का वेदन करके बताओ कि मेरे अंदर में ही मेरा परमात्मा है, इस भाव का वेदन करके बताओ, इस भाव का बहुमान करके बताओ भैया, इस शुद्ध ज्ञान की पूजा करके बताओ, होगी कि नहीं? अब देखो ये बहुत व्यवहार, बहुत भूमिका मना रही हमने, बल्कि हमारा वैसे बहुत ऊपर के लेवल का चल रहा है, लेकिन आज यहाँ शुरुआत है इसलिए बहुत भूमिका बना ली हमने, बहुत भूमिका, कि आपको ये पता लग जाए कि आपको शुद्ध ज्ञान की पूजा करनी है या फिर बाहर में द्रव शुद्ध को नमस्कार करके, जबकि भाव ही नहीं हो रहा है शुद्ध, सही कह रहा है,
आए घर के विकल्पों में आए कि जल्दी जल्दी दुकान खोलना है, सर पड़ता हो भागे, भाव भी शुद्ध नहीं हो रहा है, अरे पुण्य का बंद भी नहीं हो रहा, मुक्ति की बात तो बहुत दूर है। पुण्य का बंद भी नहीं हो रहा, पुण्य का बंद मोक्ष तो बहुत बात की चीज है भाई, क्योंकि चैत्याले आते हैं हर बड़ में 50 प्रकार की सल लेके आते हैं, मन में वो ही विकल्प चलते रहते हैं, नमोकार मंत्र कब पढ़ा जाता पता नहीं लगता, ओम नमः शिवाय की जप कब होती पता नहीं लगती, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि दौड़ते भागते हुए बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आए, सर पटका, नमोकार मंत्र कब पढ़ लिया, कब जाप खिसक गई और कब हम खिसक गए, न कोई भाव वेदन कुछ नहीं, कोई भाव वेदन नहीं। अब भगवान जी जब शुभ परिणाम भी नहीं हो रहा है तो जो पाप घर में बांध रहे थे, जो पाप आप चौके में बांध रहे थे, वो ही पाप यहाँ बांध रहे, अंतर क्या, क्योंकि भाव से बंद होता है ना, ये क्रिया से होता, भाव से होता है ना। तो आप यदि यहाँ आए और आपको शुभ भाव भी नहीं हुए, शांत होने का परिणाम भी नहीं आया, वो ही तीव्र कषाय बनी रही, वो ही मन में संकल्प विकल्प और आकुलता बनी रही भैया, तो यहाँ आने में और घर में रहने में क्या अंतर है, दुकान में बैठने में और चैत्याले बैठने में क्या अंतर है, कोई अंतर आया क्या? जब अंतर ही नहीं आया तो फिर काय के लिए आए थे, न पुण्य लेके जा पाए, बनी कैसा बेईमान बनिया, न पुण्य लेके जा पाया, न मुक्ति का मार्ग लेके जा पाया, बेईमान बनिया ये। वो तो है, जिस पुण्य के वजह से यहाँ आया था वो नष्ट कर दिया, ये तो घाटे का सौदा, ये बनिया ही नहीं है, ये तो बिगड़ रहा है। यदि बनिया भी हो तो दिमाग वाला बनिया हो, जब था व्यापार में सक्सेस कौन सा बनिया होता है बताओ ना, दिन रात व्यापार कर रहे हो, कौन सा बनिया व्यापार में सक्सेस होता है, जो मुनाफा कमाना जानता है वो बनिया व्यापार में सक्सेस होता है भैया, एक की दो की चार दुकान कर लेता है, क्यों, क्योंकि व्यापार करना जानता है, मुनाफा कमाना जानता है, जो बनिया मुनाफा कमाना जानता है वो तरक्की कर लेता है। भगवान जी हम तो बनिया भी नहीं है, हम तो जो पुण्य लाए थे उसे खत्म करके पाप कमा के जा रहे हैं, मतलब घाटे में सौदा, अब मनुष्य भाव में आए थे, अब नर्क जाएंगे, दुर्गति में जाएंगे, दुर्गति में जन्म लेंगे, तो हम तो घाटे का सौदा कर रहे हैं भैया, हम तो बनिया भी नहीं भैया, बनिया वो जो बनता जाए और जो बिगड़ जाए वो, जिसका घर बिक जाए, जिसकी मकान दुकान बिक जाए, जिसका बिजनेस पूरा खत्म हो जाए, उसे बनिया कोई कहता है क्या? बनिया भी वो कहलाता है जो निरंतर उन्नति करता जाए भैया, आप अपन तो बनिए भी नहीं हो पा रहे, और जीवात्मा जब तक, सुन लो, जब तक प्रॉफिट अर्थात लाभ, और लाभ किसका, अपना लाभ भैया, जब तक अपने को अपनी दृष्टि में ये जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के अपना हित अपने कल्याण का मार्ग ही दिखाई देगा, जब तक अपन बनने वाले नहीं, सिद्ध भगवान बनने की बात चल रही है, अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त करने की बात चल रही है, जन्म मरण का रोग मिटाने की बात चल रही है, संसार परिवर्तन से छूटने की बात चल रही है, बनने वाले का नाम बनिया, और क्या बनेगा, सिद्ध भगवान बनेगा ये, क्योंकि आवृत सम्यक दृष्टि है। अब आवृत सम्यक दृष्टि कैसे शुद्ध ज्ञान की पूजा करता है, हम आपको थोड़ा व्यवहार की भूमिका के बाद सीधे निश्चय में ले जा रहे हैं, मिलाइए सरा सा, आप कल से ग्रंथ लेके बैठिए, बहुत आनंद आएगा। तारण समी यहाँ चार अनियोगों को आत्मा का गुण कह रहे हैं, चार अनियोग क्या कह रहे हैं, आत्मा का गुण, गाथा नंबर है 347 से, थोड़ा सा रिविजन देखो, अपने प्रथमान योग नाम तो सुना है ना, चार अनियोग में प्रथमान योग सुना है क्या, सुना ईशा तक लोगों ने नहीं सुना, सामने सुना जानते हैं, चलिए आपने क्या बोलते, चार अनियोग में प्रथमान योग नाम का गुण सुना है, वो अनियोग सुना है कि नहीं सुना, अब तारण समी कह रहे हैं प्रथमान योग तुम्हारा गुण है, ये ज्ञानी का गुण है, ये ज्ञानी का गुण कैसे है, ये तो जनवाणी का गुण है, नहीं ये तो ज्ञानी का गुण है, कैसे है, ये देखो प्रथमान योग क्या है भैया, प्रथमान योग पद वेदंते, अरे प्रथमान योग क्या है, जनवाणी में जो पद गाय कहे हैं उन पदों के वेदन का नाम प्रथमान योग है। आप ये जो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन रहे हो, यदि इसका अनुभव कर रहे हो, तो ये प्रथमान योग है, क्या कह रहे हैं, विंजनम पदम शब्दयम,
भैया व्यंजन से, पद से, शब्द से, अर्थम त्यर्थ, भैया इनके अर्थ का वेदन करना। भैया जनवाणी पढ़ ली, भैया कितनी क्या पढ़ ली, माला रोंची पढ़ ली, इनका भाव वेदन हुआ कि नहीं हुआ? देखो लिखा है व्यंजन पद शब्द, व्यंजन से, पद से, शब्द से क्या करना है, त्यर्थम, इनसे अपने त्यर्थ में रत्नत्रय स्वभाव का अनुभव होना चाहिए। क्या क्या पढ़ के आ गया चैतन्य जी का, क्या क्या पढ़ के आ गए, दो स्तुति पढ़ ली और मंदिर विधि पढ़ ली और क्या पढ़ लिया भैया, कहते भैया और भैया देवांगनी पूजा भी पढ़ ली और ताम्र स्तोत्र भी पढ़ लिया और क्या पढ़ के आ गए, कहते समाधि मनो का पाठ भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, कहते व्यंजनम पद शब्दम, व्यंजन व्यंजन शब्द पद से सब बना हुआ था भैया, जनवाणी व्यंजन से, पद से और अर्थ से बनी थी ना, कहा से लिखी है, शब्दों से लिखी है ना। आप तारण स्वामी कह रहा है सुनो त्यर्थम पद शब्दम, ये जिनवाणी को पढ़ के क्या आपको अपने त्यर्थ में शुद्ध पद का वेदन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, कुछ शुद्धता आई कि नहीं आई, नहीं आई। अरे आपने जिनवाणी पढ़ी, शब्द पढ़े, उसके व्यंजन पढ़े, वहां पद पढ़े, पूरी स्तुति पढ़ ली आपने, उस स्तुति को पढ़ने के बाद आपको अपने स्वपद का वेदन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ भैया। भैया इसलिए ये प्रथमान योग, बाहर से तो आपने कह दिया ये प्रथमान योग है भैया, लेकिन प्रथमान योग कभी अपना गुण सिद्ध नहीं कर पाए भैया, क्योंकि सम्यक ज्ञान का गुण है प्रथमान योग, ज्ञानी का गुण है प्रथमान योग, ज्ञानी प्रथमान योग के माध्यम से प्रथम सर्वप्रथम अपने वीतराग तत्व का अनुभव करता है भैया, जनवाणी में जो मर्म है उस मर्म को अनुभूति में लेता है, इसका नाम है प्रथमान योग। देखो हमने कहा तारण स्वामी आध्यात्मिक संत है, तो प्रथमान योग की बात करेंगे तो कहेंगे तुम्हें प्रथम अपने स्वभाव का वेदन है कि नहीं, ये बताओ पहले, अपने आत्मा की स्वरूप है कि नहीं, अपने गायक परमात्मा को जानते कि नहीं जानते, यदि गायक परमात्मा को नहीं जानते और तो कहानी किससे पढ़ लेते हो तो प्रथमान योग की सिद्धि नहीं है भैया, कहानी पढ़ने का नाम प्रथमान योग नहीं है, अपने पद इन पद अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से निज पद का जिन वाणी में जो पद है उसके माध्यम से अपने अर्थ में स्वभाव का वेदन शुद्ध तत्व का वेदन यदि आपको होता है तो प्रथमान योग की सिद्धि होती है। पता भैया ऐसी शुद्ध ज्ञान की आराधना करी क्या मैंने कभी, ऐसी सुरत आई, अरे ये जनवाणी तो मेरी पूजा है, अरे नहीं भैया जनवाणी भगवान की पूजा है, तो भगवान है कौन ये तो बता भैया, जनवाणी किसकी पूजा है, बहुत डर लगता है बोलने में, जनवाणी तो मेरी पूजा है, क्यों, क्योंकि तो जनवाणी में मेरे गायक स्वभाव के अलावा और किसी की चर्चा है ही नहीं, जनवाणी में अपने स्वपद के अलावा आत्महित के अलावा और कोई चर्चा है ही नहीं, तो जनवाणी किसकी पूजा, और डर लगता भैया इतना डर लगता है, अरे भगवान की वाणी, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी, अरे मतलब जिनेंद्र भगवान की पूजा है, और हम कहां पापी संसारी कामी भोगी व्यसनी है ना, जितने भी संसार में दोष है वो सारे हमारे पास ही तो है, सही है ना, नहीं है सही, तो ये जनवाणी किसकी पूजा है, मेरी बोलने में डर लग रहा है, ये जनवाणी वास्तव में तुम्हारे अलावा किसी की पूजा का स्रोत ही नहीं है भैया। देखो अच्छा बताओ जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है, अंधर्म में पर को परमात्मा मान के उसकी पूजा की जाती है, अन्य मतों में अन्य पंथों में अन्य समुदायों में एक पर को परमात्मा मान के उसकी पूजा की जाती है, उसकी आराधना की जाती है भैया, उसके द्वारा लिखे हुए मिथ्या उपदेश को पढ़ के स्वीकार किया जाता है और उसी को मान के अपना पूरा जीवन बिताया जाता है। अब ये बताओ जिनवाणी में और अन्य मतों में क्या अंतर है, यदि अन्य मतों में भी पर परमात्मा की पूजा हो रही है और जिनवाणी में भी पर परमात्मा की पूजा होती रहे तो फिर तुम्हारे भीतराग धर्म में और अन्य मतों में क्या अंतर है, क्या अंतर है बता दो तो जरा, कोई अंतर तो बता,
महावीर परमात्मा एक भगवान होता है और सब भक्त होते हैं, उस भगवान को भगवान मान के उसकी बातों को सब पढ़ते हैं लिखते हैं। भैया वहां जाओ आप क्या बोलते हैं चर्च में जाओगे तो वहां बाइबल को चर्च में ईसा मसीह को भगवान मानते हैं और उनकी बाइबल को वो ग्रंथ मानते हैं और उनकी बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं भैया ये तो हमारे भगवान का उपदेश है। और आप क्या करते हो बस ऐसे ही अपन भी कहते हैं वो जिनेंद्र भगवान की जय हो, हमारे देव जिनेंद्र देव और हमारी बाइबल मतलब हमारी जनवाणी मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी जनवाणी और काय की पूजा कराती है ये जिनेंद्र भगवान की पूजा कराती है बस खत्म। तुम में और उनमें क्या अंतर, तुम में और उनमें क्या है कुछ तो बताओ। यहाँ वीतराग धर्म कह रहे हो आप, वीतराग जिन धर्म कह रहे हो जहां राग देश की गंध भी नहीं है, जहां कलेश नहीं है, जहां किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, जहां किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, आपके वीतराग धर्म में और अन्य मत में क्या अंतर, क्या अंतर जब कोई भिन्नता ही नहीं नजर आ रही। यदि कोई भिन्नता नजर आए, कोई ज्ञान का अंकुरण नजर आए, कोई वीतराग का नजर आए तो हम जैन धर्म माने भैया लेकिन कोई अंकुरण ही नहीं भैया। इसलिए भगवान आत्मा जागने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है कि हम कहीं कहीं वीतराग धर्म व्यवहार से तो जैन नाम लिखा गया भैया नाम के आगे, कहीं बाहर में जैन धर्म प्राप्त करने के बाद भी कहीं हम ईसाइयों जैसा आचरण तो नहीं कर रहे, कहीं हम मुस्लिमों जैसा आचरण तो नहीं कर रहे। सत्य तो सत्य है भैया, अब ऐसा भी नहीं कर रहे तो। हम तो इतना कह रहा है यदि बढ़ भी गए तो कोई काम भी नहीं, क्योंकि ईसाइयों जैसा आचरण तो नहीं कर रहा है कहीं। और यदि वो ही आचरण कर रहे हैं, यदि वो ही परंपरा चला रहे हैं तो मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। आप वीतराग धर्म में और गुरुद्वारे में अंतर नहीं बता सकते भैया। इसलिए तो आजकल के बच्चे क्या कहते हैं भैया सभी धर्म समान है, वो क्रिश्चियन भी वही है भैया, हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही, वो अपने भगवान को मानते हैं, हम अपने भगवान को मानते हैं, क्या अंतर है? उन्हें पता ही नहीं कि मिथ्यात क्या है सम्यक क्या है। वो तो लॉजिक लगाते हैं भैया, जैसे कि उनके भगवान ने अपने ग्रंथ दिए हैं वैसे ही हमारे भगवान ने ग्रंथ दिए हैं, उनके मंदिर चले जाओ या अपने मंदिर चले जाओ अंतर क्या है? अंतर बताओ। जब आपके पास भाव वेदन नहीं है, जब निज गायक की पूजा नहीं है, जब स्वयं परमात्मा बनने की बात नहीं है तो उनके ग्रंथों में उनके धर्म में और अपने धर्म में क्या अंतर है? वो भी वहां आरती पूजा भक्ति करके वो भी वहां पाप कमाते हैं भैया, और हम भी घर घर दुकान मकान की चिंता लेके यहाँ पे बैठते हैं और वो ही पाप अपन कमाते हैं। जो आश्रम वो कर रहे हैं हाँ, जो आश्रम बंद वो ही कर रहे हैं भैया, वो ज्यादा कर रहे हैं अपन कम कर रहे हैं, लेकिन वो भी संसार में रहेंगे और हम भी संसार में रहेंगे, दोनों में से अंतर क्या है? अंतर बताओ जल्दी, अंतर 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 चाहिए हमें। हाँ तो वही तो नहीं बन रहा, वही तो नहीं बन रहा। अब भी हम यही तो पूछ रहे हैं ये जनवाणी किसकी पूजा है, आवाज ही नहीं निकल रही कि जनवाणी मेरी पूजा है, मेरी वंदना है, ये जनवाणी मेरी मुक्ति का आधार है, ये किसी और के लिए कहीं बात है ही नहीं। वास्तव में ये जनवाणी आत्मा की पूजा के अलावा कुछ भी नहीं है। हे जीवात्मा, ये जनवाणी मतलब आत्मा की वंदना, जनवाणी मतलब स्वचतुष्टय की पूजा, जनवाणी मतलब गुणों का सागर, और वो अनंत गुणों का सागर मेरे आत्मा के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता। वास्तव में यदि जनवाणी की पूजा है तो, और जनवाणी की पूजा नहीं है तो घिसो भैया, घिसता रहो भैया, रोज रोज आके देखो, रोज रोज मंदिर आके कितनी चप्पल टूट गई, रोज रोज मंदिर आके कितने कपड़े घिस गए, अरे रोज रोज मंदिर आके तुम बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा अपन ही घिस गए, तुम तो कपड़े लगते और चप्पल जूते तो छोड़ो अपन ही घिस गए, पानी सफेद हो गए, अब क्या करने भगवान आत्मा, अब क्या करने।
अपन जूते चप्पल कपड़े लगते तो छोड़ा अपन ही किसका है। भगवान आत्मा अब ये देखो चर्चा थोड़ी गहरी है, भूमि को बनाने में हमें बहुत थोड़ी सा टाइम लग रहा है। क्या कह रहा है तारण स्वामी, कह रहा है प्रथमानु योग पद वेदन्ते। प्रथमानु योग क्या है भैया, अपने स्वपद का वेदन है। क्या करना है इससे, देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, सुनो ती अर्थम पद शुद्धम। इन जिनवाणी के पदों से अपने तीर्थ में शुद्ध स्वभाव का अनुभव होता है। और तो सुनो ज्ञानम आत्मा तुम गुणम, सुनो ना हे ज्ञान में आत्मा, ये पितमान योग तुम्हारी आत्मा का गुण है। तुम्हें शास्त्रों में मत ढूंढो, इसे कहानियों में नहीं मिलेगा, ये किस्सों में नहीं मिलेगा, ये यहाँ वहां की चर्चा में नहीं मिलेगा। ये पितमान योग तुम्हारी आत्मा का गुण है। जब तुम स्वयं अपने आत्मा का अनुभव करोगे तो ये प्रथमान योग नामक गुण तुम्हारे अंतर से अनुभव से प्रकट हो जाए। अरे सुनो ना, यदि भगवान की वाणी सुन के इन शब्दों से यदि आपको ये स्वीकार हो रहा है कि वास्तव में वो परमात्मा मैं हूं, तो ये प्रथमान योग है। पहला काम है करने योग। और यदि ये भगवान की वाणी सुन के तुम्हें इसका अनुभव नहीं हो रहा, इन शब्दों का अनुभव नहीं हो रहा, अरे इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, यदि ऐसा अनुभव नहीं हो रहा ना, तो ये प्रथमान योग नहीं है। प्रथमान योग का जब अपने में गुण दिखाई दे, तब जब अपने में अनुभव दिखाई दे तब तो प्रथमान योग, और यदि अपने में अनुभव दिखाई ना दे तो क्रिया। भैया बराबर बराबर समझ, व्यवहार हमने पहले कहा था व्यवहार व्यवहार की जगह रहेगा, व्यवहार को गौण करेंगे और चरित्र करेंगे अध्यात्म की चर्चा। व्यवहार छुड़ाएंगे नहीं, मंदिर आना बंद नहीं करवाएंगे, पृथ्वी योग पढ़ना बंद नहीं करवाएंगे, चैत्यालय आना छुड़वाएंगे नहीं, आरती पूजा पढ़वाना छोड़ने नहीं कहेंगे भैया। फिर क्या कहेंगे कि आरती भी रोज कर रहे हो, पूजा भी रोज कर रहे हो, वंदना भी रोज कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हो उसका वेदन सहित करो, थोड़ा सा अनुभव सहित करो, रुचि सहित करो। यदि रुचि सहित करोगे तो स्वयं परमात्मा हो जाओगे, और बिना रुचि के करोगे तो क्रिया रहेगी और अनुभूति नहीं होगी। याद रखना भैया, यदि स्वभाव का लक्ष्य बनाए बिना ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, अपने निज गुणों की पूजा करने का ये भाव नहीं है और ये क्रियाएं हो रही हैं, तो मार आडंबर हो रहा है, और अपनी रुचि सहित यदि हो रहा है तो फिर मोक्ष का मार चल रहा है। यही अंतर है वीतराग धर्म में और अन्य धर्म में, इतना ही अंतर है। क्या अन्य मतों में पर परमात्मा की पूजा होती है, और जिनेंद्र भगवान के मत में, यहाँ भगवान की वाणी में भैया अपने जिन स्वभाव की पूजा होती है। अन्य मतों में पर परमात्मा पूजा जाता है, और जैन धर्म में निज गायक परमात्मा की पूजा होती है। इतना ही अंतर है कि यहाँ चेतन गुणों की पूजा होती है, और अन्य मतों में अचेतन बाहरी अवस्थाओं की पूजा होती है। इतना ही अंतर है कि यहाँ निज आत्मा का बोध जगा के अपने कल्याण का मार्ग बनाया जाता है, और अन्य जगह भैया बाहरी व्यवहार को ही धर्म कहा जाता है। इतना ही अंतर है, यहाँ वीतरागता है, यहाँ सत्यता है, और अन्य मतों में भैया अज्ञान है और आडंबर है। अब आप अंतर कर लो भैया, आपको क्या आपके चैतन्य गुणों का गुणानुवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा, जनवाणी सुन के आत्मा का स्मरण आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये याद आ रही कि नहीं आ रही कि शरीर के बीच में रहता हुआ भी मैं क्या तत्व भगवान आत्मा हूं, रोटी बनाते हुए भी और दुकान चलाते हुए भी मेरा स्वभाव मेरे अंतर में विद्यमान है, मेरी आत्मा से एक भी गुण का अभाव हुआ क्या, छोटा मोटा तो नहीं हो गया आत्मा का, है कुछ घट तो नहीं गया, एकाध गुण कम तो नहीं हो गया, घर में रहते हुए परिवार में रहते हुए क्रियाकांड अर्थात बाहर के घर पर परिवार के संभाल करते करते संसार की चिंता करते करते आत्मा से एकाध गुण कम तो नहीं हो गया, माइनस में तो नहीं गया, नहीं गया ना माइनस में, प्लस में है ना, बिल्कुल प्लस में 100% जैसा था वैसा है। भगवान आत्मा तारण स्वामी कह रहा है प्रथमान योग पद वेदन्ते, क्या कह रहे हैं कि हे जीव आत्मा प्रथमान योग क्या है, अपने पद का वेदन है। ज्ञानम आत्मा तुम गुणम, ये प्रथमान योग आत्मा तुम्हारा गुण है। तो क्या कह रहे तारण स्वामी, कह रहे सुनो व्यंजनम चा पदार्थम चा, व्यंजनम चा पदार्थम चा, क्या व्यंजन के माध्यम से पदार्थ के माध्यम से शुद्ध व्यंजन अर्थात शुद्ध व्यक्त स्वभाव मेरा केवल ज्ञान में पद है, शुद्ध पदार्थ
जो पुण्य पाप से रहित है मेरा जीव पदार्थ है। तो तारक स्वामी के कह रहे भैया सुनो अच्छे से, शाश्वतम नाम साध्य, काय की साधना करो, शाश्वत नाम कौन है वो? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध व्यंजन कौन है? शाश्वत नाम सार्थम, जो कभी नष्ट नहीं होता। एक बार बताए, बेदी बनी नष्ट होगी कि नहीं होगी? ये चैतन्य बना नष्ट होगा कि नहीं होगा? ये शरीर का संयोग नष्ट होगा कि नहीं होगा? जिस आरती से आरती कर रहा है वो नष्ट होगी कि नहीं होगी? ये बाहर की सारी चीज नष्ट होगी कि नहीं होगी? तारक स्वामी कह रहा है शाश्वत नाम सार्थम, किसको साधो भैया? जो नष्ट नहीं होता, जिसका विनाश कभी नहीं होता भैया, ऐसे ज्ञान में अपना शाश्वत नाम सार्थम, ऐसे शाश्वत स्वरूप की श्रद्धा करो। ओमकारम च वेदन्ते, ओमकारस्य वेदन्ते, और क्या करो भैया? ओमकार वेदन्ती श्रद्धा तत्काम, इस जिनवाणी के पदों के माध्यम से अपने श्रद्धार्थ तत्व का वेदन करो और सार्थम ज्ञान मयम ध्रुवम, और साधो भैया काय को कि मैं ज्ञान में आत्मा ही हूँ, होने वाला परिणाम कर्म आधीन है और मैं इस चलने वाली कर्मों की रहट से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। दो के दो दिखना चाहिए, दो का एक नहीं दिखना चाहिए। बताओ दूध को और जहर को मिक्स कर दिया जाए तो आप पियोगे कि नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? दिख तो दूध रहा है पक्का। दूध में विष डाल दिया जाए तो पियोगे कि नहीं पियोगे? हाँ नहीं पियेंगे ना, क्यों नहीं पियोगे? पता है कि विष है, पता है ना, पक्का पता है ना भैया? ऐसे ही आपको अच्छे से पता नहीं है, बहुत अच्छे से पता है कि मिथ्यात मतलब जहर विष, आपको अच्छे से पता है मिथ्यात मतलब जहर। यदि इस शरीर को, घर को, पुत्र को, परिवार को अपना मान के दिन रात जियोगे तो विष पी रहे हो कि नहीं पी रहा है? काय नहीं पता डॉक्टर साहब? इतने से क्या कर रहे हैं चेत्या लिया? इतने से क्या कर रहे हैं चेत्या लिया के? अरे यार देखो धंधा, देखो यदि अपन ने जब जन्म लिया था ना, थोड़े बड़े हुए थे, जब थोड़ा समझते थे तो घर वालों ने मम्मी ये पापा ये दादा ये तो सिखाया था, लेकिन थोड़ा बहुत मंदिर चैत्यारे के अपन आए थे कि नहीं आए? और थोड़ा बहुत तो सुना था ना कि आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सतगुरु भाई। बचपन में थोड़े बड़े हुए जब सिखा लिया था ना कि इस शरीर से भिन्न में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ये शरीर आदि मेरे नहीं और मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। थोड़े से बड़े थोड़े समझदार हुए जब सिखाया था, नहीं सिखाया था? तो मतलब अब तो बात ऐसी हो गई जान मूझ के जहर पी रहा है, अब तो बात ऐसी हो गई भैया कि जान मूझ के जहर पी रहा है। पता है कि जितने मोह में, राग में, इंद्रिय विषयों में, कसाय में जितना रत होके हम इस संसार में परिभ्रमण करेंगे, हम दुर्गति में जान लेंगे, नर्क निगोदी हमारा निवास होगा भैया। अब तो भैया जान मूझ के नर्क जा रहा है। अच्छा बताओ जान मूझ के नर्क की तैयारी कौन कर रहा है? बस दो ही लोग, बाकी सब सो जाएंगे। हाँ तो देखो तो इन लोगों को, फोटो खींचे इन सबकी, 24 घंटे विषय कसाय पाप में धुत, किसी ना भेद ज्ञान, ना तत्व निर्णय, ना अपने आत्म स्वभाव का बोध। और इनसे पूछो भगवान जी नर जाने की तैयारी कौन कर रहा है? तो कोई हाथ उठाने वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा मोक्ष जाने की तैयारी कौन कर रहा है बताना तुझे? हाँ
वहां भी हाथ नहीं उठाया कोई। नहीं, एक बात बता, स्वर्ग जाने की तैयारी कौन कर रहा है? नहीं तो स्वर्ग जाने की कौन कर रहा है? एकदम साफ जाना, स्वर्ग जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा, मतलब हमें कहीं नहीं जाना, हम तो इस शरीर के साथ अजर अमर अविनाशी है, हम तो मरेंगे ही नहीं, पक्की हो गई बात। ना नर्क जाना, ना स्वर्ग जाना, ना देवगति जाना, ना त्रियंश गति जाना। तीन चार मिनट शेष बचे हैं, हम बिल्कुल गाथा नहीं ले पाए, व्यवहार इतनी भीड़ में व्यवहार ही चर्चा होगी, शाम को होगी चर्चा। क्या कह रहे हैं कि यहाँ सावधानी रखना है भैया, यहाँ अपने बोध को जगाना है। क्या कह रहा है? यहाँ अपनी चेतना को जगाना है भैया। क्या जगाना है? अनादि काल से जो क्रिया कांड कर रहा है उसमें थोड़ी भावना मिला दो भगवान जी, कुछ नहीं जाएगा, जाप वो ही रहेगी, चेतना आने का परिणमन वो ही रहेगा, घर में रोटी वो ही बनेगी, दुकान में पैसा वो ही आएगा, लेकिन इस सत्य का बोध हो जाएगा ये पुण्य के वजह से आ रहा है और पाप के वजह से चला जाएगा। ये आना जाना मेरे लोभ करने से नहीं होता, मैं निर्लोभी स्वभाव वाला आत्मा हूँ। यदि ऐसे आत्मा का चिंतन कर लोगे तो अनंत आनंदी लोभ से बच जाओगे और नर जाने से बच जाओगे। नहीं तो दुर्गति तो जाना ही भैया, क्योंकि हाय हाय करके कमाओगे तो हाय हाय करने से नर्क में ही जाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं। मतलब थोड़ा तत्व का निर्णय करके, थोड़ा सा भेद ज्ञान करके और थोड़ी सी अपनी आत्म सुरत जमा के, अपने गायक तत्व का बोध जागृत करके, कम से कम इतना तो कर लो भगवान आत्मा, क्या कि हम दुर्गतियों में ना जाए। सम्यक दर्शन सहित कोई भी दुर्गति में नहीं जाता, कोई भी भेद ज्ञानी दुर्गतियों में नहीं जाता भैया। कम से कम यदि आप मोक्ष नहीं जाना चाहते तो दुर्गति से तो बचना चाहते हो कि नहीं? दुर्गतियों से भी बचना हो तो भेद ज्ञान और तत्व निर्णय 24 घंटे चाहिए, और यदि भैया भेद ज्ञान और तत्व निर्णय नहीं है तो आप दुर्गति से भी बचने वाले नहीं। बनिया हो कम से कम पुण्य तो कमा लो, और नहीं तो मंदिर आके भी पाप कमाया तो क्या कमाया। आखिरी बात है तो टाइम खत्म हो, स्पीकर बंद, स्पीकर है, स्पीकर ही तो है। तो टाइम बंद, समय समाप्त और स्पीकर बंद, भैया स्पीकर ही है। यदि आपको यदि वेदन हो जाए तो जनवाणी, और नहीं हो तो फटामास, तो बकवास है। घर में भी कथा करते हो वही है, जैसे घर इधर उधर की चर्चा करते हो वही है। जनवाणी तो तब है, यजमानी योग कब है भैया? जब अपने ओमकार में तत्व का वेदन हो जाए और सार्धम ज्ञान मयम प्रभाव आज सुरति आ जाए कि मेरे अंतर में मेरा शाश्वत ज्ञान में पाप है, और जिस दिन मैं पुरुषार्थ करूंगा उस दिन प्रकट हो जाएगा, जिस दिन मैं स्वीकार करूंगा उस दिन अनुभव में आ जाएगा, जिस दिन मैं अपने अंतर की जिज्ञासा जगाऊंगा उस दिन मेरा मुक्ति का मार्ग बन जाएगा, क्योंकि ज्ञान में अविनाशी पर मेरे अंतर में आओ लच्छू जाओ लच्छू ना देते कच्छू ना होते कच्छू। मंदिर चले जाए तो वे सही, घर में रहे तो वे सही, दुकान पर रहे तो वे सही, और बाजार में रहे तो वे सही, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला? कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है भगवान आत्मा, जैसे कि तैसे। अरे कम से कम झूठ झूठ बोल दो, देखो टाइम पे छोड़ देंगे करेक्ट, झूठ ही झूठ बोल दो कम से कम। अरे भगवान जी झूठ को बोलने से तुम्हें झूठ लग रहा है, लेकिन यह है परम सत्य, यदि तुम्हें झूठ को बोलोगे और कहीं अंतर में लग गया तो सलटने का मार्ग बन सकता है। अभी तुम्हें झूठ लग रहा है भैया, अब आत्मा आत्मा कह रहा है होगी कि नहीं होगी,
अब क्या मालूम आत्मा होती कि नहीं होती, हमने तो लोगों को मरते हुए देखा भैया, लोग मर जाते हैं तो शरीर रह जाता है लेकिन आत्मा को निकलते हुए देखा ही नहीं हमने, तो आत्मा है कैसे प्रमाण मान भैया? अब जब आत्मा के होने का प्रमाण ही नहीं है तो हम कैसे कह दें मैं आत्मा हूं, कैसे कह दें? तो उसके होने का कोई प्रमाण ही नहीं है ना, नहीं है ना उसके होने का कोई प्रमाण? अच्छा है, अच्छा मतलब तो वो है पक्का है, पक्का है, और फिर है कहाँ? पर अच्छा यही है जो ये बैठा है, यही है इस देह देवालय में है, इस शरीर आकार इस देह देवालय में वो ब्रह्म स्वभावी परमात्मा है, पक्का है भैया? बोल लो भैया, पक्का है तो बोल लो। चलो आखिरी बात भैया, तारण समय कह रहे हैं ओम कारम चा वेदंते, ऐसे शतात्म पद का अक्षर स्वर जनवाणी के माध्यम से वेदन करता है और क्या करता है सार्धम ज्ञान मयम प्रभाव, क्या करता है कि मैं ज्ञान में आत्मा ही, बेकार है पूरी मेहनत हूं नहीं निकल पाया है, हूं नहीं निकला देखो हम कहां जहां हमारा उपयोग और हम कैसे जैसे हमारे भाव, यदि यहां बैठ के भाव भर के चल रहे हैं तो आप जनवाणी सुनी नहीं रहे, यदि आप यहां जुड़े नहीं हो आपको यहां वेदन नहीं हो रहा तो आपका उपयोग घर में गृहस्थी में है, आपका मन और कहीं भटक रहा है और आप यहां तारतम्यता से जुड़ ही नहीं पा रहे तो आप चैतन्य में हो ही नहीं। याद रखना भगवान आत्मा क्रिया कारण का धर्म नहीं है, बार बार कह रहे हैं धर्म भाव वेदन का है, वो समय समाप्त भैया। आखिरी बात फिर से कहते रहे एक बार, क्या कह रहे हैं तारा स्वामी ओम कारम चा वेदन्ते सार्धम ज्ञान मयम प्रभव, मैं ज्ञायत तत्व भगवान आत्मा ही। अब लगा कि कम से कम 70% हाजिरी है, बाकी 30% तो अभी सो रहा है। जय नमस्तु, चल मंदिर में।